आप सभी को नमस्कार। मैं घनश्याम सैनी, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। एमए फाइनल समाजशास्त्र के प्रश्न पत्र औद्योगिक समाजशास्त्र में हम आज बात करते हैं सामाजिक संरचना एवं औद्योगिकरण। सामाजिक संरचना में कौन से सामाजिक सांस्कृतिक कारक थे जो किसी भी समाज में औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं, उनकी चर्चा पूर्व के वीडियो में की जा चुकी है। औद्योगिकरण के कारण सामाजिक संरचना किस प्रकार प्रभावित होती है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। औद्योगिकरण सामाजिक संरचना को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे पहली बात, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप समाज में नए नए वर्गों का उदय होता है। तीन प्रकार के वर्ग तत्कालीन औद्योगिक समाज में पाए जाते हैं। पहला, पूंजीपति वर्ग, जिसके हाथ में उद्योगों का नियंत्रण और संचालन रहता है। दूसरा वर्ग, श्रमिक वर्ग, जो अपना शारीरिक श्रम बेचकर जीवन यापन करते हैं। श्रमिक वर्ग पहले शोषित रहे थे, वर्तमान में उद्योगों की उन्नत स्थिति और श्रमिक अधिनियमों के कारण श्रमिकों का शोषण कम होता है। पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, इनके अलावा भी वर्तमान समय में औद्योगिकरण के कारण एक तीसरा वर्ग बन गया है, मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग में कुशल तकनीशियन, प्रबंधक, लिपिक, अन्य कार्मिक आते हैं, जिनका जीवन श्रमिक और पूंजीपति वर्ग दोनों के मध्य में होता है। आगे हम बात करते हैं आधुनिकीकरण, जो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आया। औद्योगिकरण जाति और वर्ग व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। जाति के जो परंपरागत नियम या निषेध थे, वो वर्तमान व्यवस्था में हटने लगे। जातिगत छुआछूत कम हुआ है, सामाजिक असमानता कम हुई है, क्योंकि एक बड़े उद्योग में सैकड़ों हजारों कार्मिक एक साथ काम करते हैं, जहां जाति भेदभाव रखना संभव नहीं है। जाति का जो व्यवसाय, विवाह, खान पान आदि पर जो प्रतिबंध था, वह भी अब शिथिल होने लगा है। अब अंतरजातीय विवाह होने लगे।
जो व्यवस्था जन्म पर आधारित थी वो अब कर्म पर आधारित होने लगी है। अब व्यक्ति का जाति के अनुसार महत्व न होकर व्यवसाय के अनुसार समाज में महत्व होता है। विवाह पर औद्योगिकरण का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अब विवाह एक सामाजिक समझौते का रूप लेने लगा है। अधिक आयु में विवाह करने का चलन बढ़ा है। अविवाहित भी व्यक्ति रहने लगे हैं। अंतर जातीय अंतर धार्मिक विवाह भी होने लगे। विवाह का धार्मिक स्वरूप शिथिल पड़ा है। अब न्यायालय विवाह होने लगे। ये सब औद्योगिकरण की व्यवस्था का परिणाम है। परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव, पहले भारत में संयुक्त परिवार हुआ करते थे, वर्तमान समय में औद्योगिक शहरों में निवास की समस्या होने के कारण और परिवार के सदस्यों में व्यक्तिवादिता की भावना होने के कारण संयुक्त परिवारों का विघटन होने लगा। परिवार के जो प्राथमिक कार्य थे वह कार्य दैत्विक संस्थाएं लेने लगी। बच्चों के लालन पालन, शिक्षा, विवाह, चिकित्सा सुविधा, सारे प्राथमिक कार्य अब दैत्विक संस्थाएं लेने लगी। परिवार एकल परिवार के रूप में विकसित हुआ है। स्त्रियों की स्वतंत्रता, उनका आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना और पारिवारिक सदस्यों में व्यक्तिवादिता के कारण मनमुटाव होना, ये सब पारिवारिक संस्था पर औद्योगिकरण के प्रभाव है। औद्योगिकरण का धर्म पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। पहले हमने बात की थी कि धर्म औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, परंतु किसी समाज में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रोसेस में आने के बाद धर्म को प्रभावित करती है। धार्मिक जड़ता, अंधविश्वास आदि को दूर किया गया। धर्म के साथ तार्किकता और मनोरंजन दो चीजें वर्तमान में जुड़ गई। किसी भी धार्मिक क्रिया को तार्किक आस्था के साथ जोड़ा जाने लगा और धार्मिक क्रियाएं, कर्मकांड इत्यादि वर्तमान समय में मनोरंजन का साधन हो गए। विशाल स्तर पर धार्मिक सभाएं करना, कीर्तन करना, उनका ऑनलाइन प्रसारण करना जिसे अधिसंख्य व्यक्ति देखें, यानी धर्म अब प्रभावित होने लगा है। नैतिकता पर प्रभाव, सामाजिक दृष्टि से समाज के उत्कृष्ट नियम और व्यवहार नैतिकता के अंतर्गत आते हैं, परंतु वर्तमान औद्योगिक नगरों में जहां व्यक्ति पर परिवार पड़ोस का सामाजिक नियंत्रण नहीं रहता, वह नैतिक दृष्टि से पतन की ओर अग्रसर है। स्त्री पुरुष के स्वच्छंद संबंध, यौन संबंधों में शिथिलता आदि नैतिकता को प्रभावित करने लगी। अधिक लाभ
कमाने की उत्कंठा, व्यक्तियों का नैतिक पतन करती है। औद्योगिकरण के कारण मनोरंजन की प्रक्रिया पर भी प्रभाव पड़ा। पहले मनोरंजन के प्राथमिक साधन थे खेलकूद, संगीत, नृत्य आदि, जो प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति पूर्ण करते थे। वर्तमान समय में मनोरंजन के कई नए साधन विकसित हुए हैं। सोशल मीडिया के द्वारा उनका प्रसारण किया जाता है, जैसे खेलकूदों का सीधा प्रसारण, खेल कहीं भी हो रहा हो पूरे देश के या विदेश के लोग उसे देख सकते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम, चलचित्र, नृत्य आदि का प्रसारण। और वर्तमान समय की बात करें तो OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने पूरे मनोरंजन की दशा और दिशा बदल के रख दी। ये सब औद्योगिकरण के कारण ही संभव हो पाया। आगे हम बात करते हैं, औद्योगिकरण ने नगरीकरण की प्रक्रिया को भी प्रभावित किया। मान लीजिए कहीं विशाल उद्योग की स्थापना की जाती है तो उस विशाल उद्योग में कार्य करने के लिए हजारों आदमियों की आवश्यकता होती है, जो उस उद्योग के आसपास नवविकसित उपनगर में रहते हैं और नगरीकरण अपने आप बढ़ता जाता। वह औद्योगिक नगर बन जाते हैं, जैसे भारत में कानपुर, जमशेदपुर, भीलवाड़ा, लुधियाना आदि औद्योगिक नगरों के रूप में विकसित हुए। नगरीय संस्कृति और जीवन शैली वहां के लोग अपना लेते हैं। आगे हम बात करते हैं कि औद्योगिकरण के कारण मानसिक और सामाजिक विघटन भी होता है। व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार कार्य न मिलना या कार्य के अनुसार वेतन नहीं प्राप्त होना आदि भी उसके व्यक्तित्व विघटन के कारण है। व्यक्तित्व विघटन में व्यक्ति अलगाव महसूस करता है और उस व्यवस्था में कोई भागीदारी नहीं निभाता है जिस व्यवस्था में वो रहता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अपराधों को जन्म देता है, समाज में नैतिकता के नियम शिथिल होते हैं, अनैतिकता, अपराध आदि सब सामाजिक विघटन को बढ़ावा देते हैं। हमारे बड़े महानगरों में जो स्लम संस्कृति विकसित हुई है, कच्ची बस्ती की संस्कृति, वह अपराधों के गढ़ है। इन अपराधों में मुख्य कारण औद्योगिकरण के अनुसार व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व विकसित हुआ है वह ग्रामीण जीवन पर औद्योगिकरण का क्या प्रभाव रहा। सबसे पहली बात कि औद्योगिकरण में विशाल स्तर पर सस्ता उत्पादन होने लगा, जिससे ग्रामीण कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए। ग्राम स्वरोजगार अब पुरानी बात हो गई। बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता बढ़ने लगी।
इसके साथ ही ग्रामीण जीवन शैली में परिवर्तन है। अब वैज्ञानिक संसाधन, तकनीकी विकास आदि के कारण ग्रामीण जीवन में परिवर्तन आए, कृषि के नए तरीके इजाद किए गए जिनसे अधिक उत्पादन किया जा सके, जीवन अब अधिक सरल हुआ है। ग्रामीण व्यक्ति भी अब उन्हीं सामाजिक मूल्यों और जीवन शैली का अनुसरण कर रहे हैं जो शहरी जीवन के लोग करते हैं। औद्योगिकरण का अंतिम जो प्रभाव है उसके हम बात करें, अभिशापों में वृद्धि, या यूं कहें संपूर्ण मानव जाति के लिए औद्योगिकरण का नकारात्मक प्रभाव। औद्योगिकरण के कारण सामाजिक असमानता बढ़ी है जो अपराधों को जन्म देती है। सामाजिक असमानता व्यक्तियों में संघर्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। औद्योगिकरण के कारण पर्यावरण प्रदूषण की गंभीर समस्या हुई है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण आदि महत्वपूर्ण है। इसमें भारत देश में गंगा नदी एक महत्वपूर्ण नदी है। उस नदी के किनारे स्थापित होने वाले अधिसंख्य उद्योगों के द्वारा जहरीले रसायन नदी में छोड़े जाते हैं। यमुना नदी इसी प्रकार प्रदूषित है। ये प्रदूषित नदियां व्यक्तियों के स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करती है। ये औद्योगिकरण का एक बड़ा नकारात्मक परिणाम। इस प्रकार औद्योगिकरण की प्रक्रिया न केवल व्यक्तियों के जीवन में नकारात्मक परिणाम लाई है बल्कि इसके कई सकारात्मक भी परिणाम भी है। ये व्यक्तियों को प्राचीन रूढ़िवादिता, धार्मिक जड़वाद और अल्प विकास से निकालकर वर्तमान में तार्किक, गतिशील और संपन्न जीवन की ओर अग्रसर करती हैं। किसी भी समाज और देश का समुचित विकास औद्योगिकरण की प्रक्रिया के कारण ही पूर्ण होता है। धन्यवाद।